Hi, these are some vocabulary words with letter C. ये सारे words usage में भी reflect होने चाहिए. Calm. Calm का मतलब है quiet, tranquil, still, शांत है. Capture. Capture का मतलब होता है apprehend करना, seize करना, कब्जा करना. Care. Care means concern and protection. Careful मतलब cautious होना, watchful रहना. Cease मतलब stop करना, वो चीज़ अब नहीं हो रही है, stop, discontinue. Certain मतलब positive है, वो होना ही है, sure है, definite है वो. Charming means delightful and appealing. Chilly मतलब वो chilled है, cool, nippy. Chubby means plump और pudgy. Clarify करना, if you clarify something मतलब आप उसको explain कर रहे हो, उसको simplify कर रहे हो. Close. Close का मतलब है shut या फिर fasten. Close. Near या फिर imminent. Near पास में है और ये बंद करना. This is pass and this is बंद करना. Coarse means है bumpy, rough. Coarse soil होती है. Colossal का मतलब है enormous है, immense है. Combine means blend, जोड़ना. Unite, join करना. Comical, amusing या फिर funny. कॉम्प्लेक्स है मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इंट्रिकेट मैटर है, यूज दिस वर्ड इंट्रिकेट मैटर. कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल है, क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो. कॉम्प्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड करना या फिर ग्रैस्प, समझना उस चीज़ को. कंप्लीट मतलब कंक्लूड या फिर फिनिश. कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट. कंप्रेस, कंप्रेस्ड चीज़ें हैं, क्रश है, कंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें कंप्रेस्ड है वहाँ पे, कंडेंस है. कॉन्क्रीट मतलब जो रियल है, टेंजिबल है, सॉलिड है, कॉन्क्रीट स्टडी करना चाहिए. कॉन्कर मतलब अग्री, कोऑपरेट, हामी, राजी भरना. कंडम मतलब निंदा, सेंश्योर, डिनाउंस. कंडेंस मीन्स अगेन दिस कॉम्प्रेस. फर्दर कन्फेस. कन्फेस मतलब एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, कन्फेस किया है उसने. कन्फाइन मतलब कंटेन, वो इतने से एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, एनक्लोज है. कॉन्फ्लिक्ट है मीन्स ओपोज करना, डिफर करना, क्लैश करना. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है LAC में. कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट, बैटल, स्ट्रगल भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फॉर्म मीन्स कॉम्प्लाई, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग होना, सबमिट करना दिस रूल्स एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग. कंफ्यूज मीन्स कॉम्प्लिकेट और मडल करना, कन्फ्यूजिंग हो गया है वो. कंजेस्टेड है, जैसे कंजेस्टेड ट्रेन होती है, मेट्रो शाम को कंजेस्टेड हो जाती है, ओवर क्राउडेड एंड स्टफ्ड हो जाती थी बिकॉज ऑफ COVID-19 है. कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जॉइन, लिंक, अटैच. कंसेंशियस का मतलब है स्क्रप्युलस, ईमानदार है वो, कर्तव्यनिष्ठ है. कॉन्शियस मीन्स अवेयर, कॉग्निजेंट होना, आपका कॉन्शियस ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है, हम अक्सर ऐसे बोलते हैं कॉन्शियस. कंसेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव. कंजर्वेटिव मतलब कॉशियस है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, बहुत केयरफुल है, रिस्ट्रेंड है. कंसिडरेट करना मतलब थॉटफुल, उस पर विचार करना. कॉन्स्टेंटली मीन्स ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली. कंटैमिनेट, कंटैमिनेट वाटर होता है, पॉल्यूट, डिफाइल, इन्फेक्ट. कंटेंडेड मतलब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रिपरेशन से, कंटेंडेड, प्लीज्ड. कंटिन्यू मतलब परसिस्ट और परसिवर, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो. कॉन्वालीस मतलब होता है रिकूपरेट या फिर रिकवर, वापस जल्दी रिकवर हो जाना. कन्वीनियंट मतलब हैंडी है, एक्सेसिबल है. कन्वेंशनल मतलब कस्टमरी है, ट्रेडिशनल है. करेक्ट का मीनिंग होता है एक्यूरेट और राइट. करेज होती है ब्रेवरी या फिर वेलर. कॉर्टियस मतलब पोलाइट और सिविल. और कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल या फिर स्नग. सो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स बट दीज वर्ड्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर राइटिंग एंड स्पीच. These are weather idioms. A storm in a teacup. Storm in a teacup मतलब unnecessary anger है, worry है about an unimportant और trivial matter पे, trivial matter पे. Our argument was no big deal, just a storm in a teacup. Unimportant, trivial matter पे unnecessary anger. It never rains but it pours मतलब bad luck. Bad things tend to happen at the same time. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना. It never rains but it pours. I lost my wallet, now I have lost my phone. It never rains but it pours. Take a rain check मतलब decline करना एक invitation, but maybe you will accept it another time. अभी नहीं फिर कभी. No thanks dude, I will take a rain check. Enjoy the party. Be snowed under. Snowed under. This means extremely busy hai with work or things to do. So these days I am be snowed under. I am snowed under with work. I've got so much to do. Be feel under the weather. मतलब unwell होना, ill होना. I won't make it to work today because I'm feeling under the weather. मतलब you are not feeling well. Have your head in the clouds. इसका मतलब है not know what is happening around. आपको पता नहीं चल रहा है आसपास क्या हो रहा है. Out of touch with reality है. I can't talk sense into him. He has his head in the clouds. मतलब sense कुछ जम नहीं रहा है वहाँ पे. So these are weather idioms. ये बहुत अच्छी पोएम है. Don't quit. When things go wrong, as they sometimes will. चीज़ें अक्सर खराब होती है, sometimes होती हैं. When the roads you are trudging seems all uphill, ऐसे चढ़ाई लग रहा है. Trudging मतलब धीरे वॉक करना, धीरे स्ट्रगल के साथ पेनफुली वॉक करना, और ये uphill है. When the funds are low and the debt are high, and you want to smile but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest. Rest if you must, but don't you quit. Success is failure turned inside out. The silver tint of the clouds of doubt. And you can never tell how close you are. It may be near when it seems far. थोड़ा सा और effort, you are so close. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. You must not quit. The night is darkest just before the dawn. Don't quit. So this is 20th of October 2020, set number 53, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.